मुल्क जे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जन्ना जी मज़ार ते हाजिरी भरण बाद मीडिया से गलाइंदे वफाकी घर वजीर एहसन इकबाल चयो तो मुल्क के बाहरियां वड़ा खतरा आन जन जो मुकाबलो बद्दी जरिए ही करे सकजे थो। अज जे दौर जो चैलेंज गला कटण ई आपघाती बमबार तैयार करण वारो ना है। इन वक्त कत्ल आम न पर नोबल इनाम में मुकाबलो करणो आहे। संदस चवणो तो वधंदड़ दहशतगर्दी में आलमी ताकतन जो कसूर आहे, पर खेन पंहिंजो घर पान ठीक करण लाइ घणो कुझु करणो आहे। आज खेन केतरा ही अंदरूनी तजाद आयन तो हमें यकीनन खुद भी अपने घर को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना है। एहसन इकबाल चयो तो दहशतगर्द सोशल मीडिया ते नौजवानन के वरगलायण जी कोशिश करे रहा आयन। अब हमें कुछ नए चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि दुनिया में जो दहशतगर्द ग्रुप है वो सोशल मीडिया के जरिए हमारे नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की अक्सरियत इंतहा पसंदी की हिमायत न थी करे, हू पाबंदी मढ़ियल तंजीम उनके भी तस्लीम न था कन। हमारी मुल्क की अक्सरियत इंतहा पसंदी की हमायत नहीं करती और इसका एक सबूत हमारे इलेक्शंस हैं। उहे संदन पॉलिसी जो हिस्सो नाहिन, खेन मुल्क के इंतहा पसंदी ऐं फिरके वारे जे कंडन खां आजो करणो आहे। और ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क को उन कांटों से पाक करें जो फिरका वारियत के, जो इंतहा पसंदी के बीज यहाँ पर बोए गए हैं माजी में, हम उनका सफाया करें। उन जो तो 2017 जो पाकिस्तान 2013 वाले पाकिस्तान का बेहतर है। मुल्क में दहशतगर्दी फिरके वारियत के वाकियन में घटताई अची रही है। सारी दुनिया पाकिस्तान जो कामयाबियों तस्लीम करे रही है। वो अमन के मैदान में अमन के रिवर्स करने की इजाजत न दींदा। जो कामयाबियाँ हमें अमन के मैदान में हासिल हुई है, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इन्हें रिवर्स कर सकें। वफाकी घर वजीर चयो तो अंसारुल शरिया बाबत जांच हलंदड़ है। कराची जो अमन बहाल थी चुको है। रेंजर्स शहर के अमन जो घर बनायो। रेंजर्स ने कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसीलिए वफाक और सूबा मिलकर उनके जो सर्विसेज हैं, हम उनको कराची के लिए फायदा उठा रहे हैं। उन इमरान खान जो नालो खणण खां सिवाए मथस तनकीद कंदे चयो त मुल्क में अड़ा अगवान आहिन जनखे हर शय खराब नजर अचे थी। वर्ल्ड 11 में थक्कल या खुथल न पर बेहतरीन रांदीगर आहिन। और ये वर्ल्ड 11 कोई फटीचर खिलाड़ी नहीं आ रहे, ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं। एहसन इकबाल चयो त इंटरनेशनल क्रिकेट लाइ ICC शहर जी चूंड कंदी आहे। आलमी क्रिकेट जी बहाली वारे मामले ते सियासत न कई वञे। संदस चवण हो त सिंध सरकार सां तालुक न हुजण वारियूं ॻाल्हियूं ग़लत आहिनि। मुल्की निज़ाम लाइ निसाब हिकु रखण जी ज़रूरत आहे, जंहिं लाइ सिंध खे बि राज़ी कयो पियो वञे। हायर एजुकेशन में क़ौमी सतह ते निसाब बाबति बि सिंध खे कुझु ख़दशा आहिनि। एहसन इकबाल चयो त 70 सालनि में मुल्क वॾा मसइला ॾिठा, पर मुल्क जो रस्तो आईन ऐं जमहूरियत सां ई ॻंढियल आहे। हुन मुखालिफ़ धुर जी पार्टियुनि खे साफ़ शफ़ाफ़ चूंडुनि लाइ गॾिजी वेहण जी दावत ॾींदे चयो त समूरियूं पार्टियूं ईंदड़ चूंडुनि लाइ कानून ते इतफ़ाक़ कनि, अपोज़िशन तजवीज़ूं ॾिए, आईन ऐं कानून में तरमीम लाइ वक़्तु ज़ाया न करणु घुरिजे। एहसन इकबाल चयो त मुखालिफ़ धुर हेॾां होॾां जी सियासत न करे, असेंबली जो मुदो पूरो थियण खां पोइ 2018 में चूंडूं थींदियूं। MQM जे बानी सां मियां नवाज़ शरीफ़ जी मुलाक़ात बाबति ॻाल्हाईंदे संदसि चवणो त संदसि ॼाण में अहिड़ी का बि ॻाल्हि नाहे। नवाज़ शरीफ़ सियासी सरगर्मियुनि न पर पंहिंजी घरवारी जी अयादत लाइ लंडन वियो आहे।